Hey guys, welcome back to our new vlog. तो आज चुका है मैं एक न्यू व्लॉग के साथ. तो गाइस, जो आज का व्लॉग होने वाला है वो शूट करेंगे मम्मी और पापा, क्योंकि हम लोग नहीं जा रहे, ना मैं जा रही, ना रक्षा जा रही, ना भैया जा रहे, क्योंकि हमारा स्कूल है और कॉलेज है, इस वक्त हम लोग नहीं जा पाएंगे. तो मतलब कौन कौन जा रहा है, एक तो मम्मी पापा जा रहे, विक्की भैया जा रहे और विक्की भैया की वाइफ की बहन, मतलब चार जन जा रहे हैं. और कौन कौन सी जगह जा रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ. तो एक है संजय नेशनल गांधी पार्क और दूसरा है कानेरी हिल्स. तो जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लाइक मुंबई में रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है और संजय नेशनल गांधी पार्क है एक फॉरेस्ट एरिया. जब रेन और फॉरेस्ट कनेक्ट होते तो कितना अच्छा व्यू आता है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाता है. और कानेरी केव्स है एक माउंटेन एरिया. तो मतलब आज का जो ब्लॉग होने वाला है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखने वाले हैं. तो अभी फिलहाल के तो मम्मी पापा रेडी हो चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट दिखाते हैं रस्ते का सीन जब मम्मी पापा जाते हैं संजय नेशनल गांधी पार्क. सो लेट्स गो. गाइस, मम्मी पापा पहुंच चुके हैं संजय नेशनल गांधी पार्क के मेन एंट्रेंस पे. तो यह है मेन गेट, अभी यहाँ से लेंगे टिकट और फिर अंदर जाएंगे. बारिश इतनी तेज हो रही है और हमें जहाँ आना था फाइनली हम आ चुके हैं. वो है अपना टिकट काउंटर. अभी हम लोग तो ये एंटर कर चुके हैं संजय नेशनल गांधी पार्क के अंदर. ये नेशनल पार्क का टोटल मैप, और इस पार्क के अंदर जाने के लिए आपको या फिर बस ट्रैवल करना पड़ता है. तो मम्मी पापा तो ओनली से ट्रैवल करके इस पार्क के अंदर गए, फिर जाएंगे कानेरी केव्स. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे जगह पे हम लोग आ गए हैं ना. मामा किधर है? सामने का व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा. और बारिश भी चालू हो गई है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई है. चलो आया 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 ओ साहेब, अरे माता मत दे दिया. ये कानेरी केव्स का टिकट काउंटर, मतलब यहाँ से पहले आपको टिकट लेना पड़ता है, फिर जाके बंदे जा सकते हैं. तो आ चुके हैं कानेरी केव्स के अंदर, मतलब हाँ एंटर कर चुके हैं. और एंट्रेंस पे इतना सुंदर वाटरफॉल दिख गया, लेकिन ये तो बस सिटी वाटरफॉल है, अभी और आगे जाएंगे तो और मजेदार वाटरफॉल दिखने वाले. यह पूरा मैप कानेरी केव्स का. पवित्र पवित्र मत.
कैसा लग रहा है पानी नहा के? ये देखो क्या व्यू है देखो। आ इधर आओ ना लेके। रुको रुको नहीं तो भाई आ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। हां यार मोबाइल चलेगा। क्या बात कर रहे हो? और भाई इधर से दिख के इधर रहना पड़ेगा। ये देखो देखना। हां 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 अभी काटेगा अभी। हां नहीं अभी वो चिप्स लिए होने देख लिया वो दे वो चाहिए मतलब तो अब मैं आपको बताती हूँ कानेरी केव के बारे में। तो कानेरी का मतलब होता है कृष्णागिरी, जिसको ब्लैक माउंटेन भी बोलते हैं। तो कानेरी केव्स फॉर्म हुआ था 1st century में, लाइक इतना पुराना है। तो उस टाइम बुद्धिस्ट का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटलमेंट माना जाता था, यहाँ पे आके वो सब लोग रहते थे। तो कानेरी केव्स में टोटल 109 केव्स। यहाँ पे बहुत सारे केव्स है जो आप विजिट कर सकते हो, आप अलाउड हो, लेकिन बहुत सारे केव्स है जहाँ पे आप नहीं जा सकते, वहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि शायद वो इम्पोर्टेंट केव्स होंगे, इस वजह से आप नहीं जा पाते होंगे, या फिर बहुत सारे केव्स है जिनके वे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इस वजह से हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाते होंगे। तो ये केव का सबसे मेन फीचर है उनका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो कैसे माउंटेन से रेन वाटर फ्लो होके अलग अलग कंटेनर्स में जाके स्टोर हो रहा है। उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट थे वो सारे रेन वाटर को पूरे एक साल तक चलाते थे, ऐसा उन्होंने सारे सिस्टम बनाया था कि वाटर स्टोर हो सके और वो वही वाटर को यूज कर सके पूरे एक साल तक। तो यही थे कानेरी केव्स के थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ding 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 ये वो ऊपर भी है सब देखने। चलो चलो पहले पानी के पास चलो, पानी के पास चलो, ये सब नहीं देखेंगे पानी के पास। हाँ वहाँ पे ऊपर भी केव्स है बहुत सारे, लेकिन मम्मी पापा नहीं गए। मम्मी पापा जा रहे हैं सबसे टॉप पे, मतलब ये सारे माउंटेन्स के एकदम टॉप पे जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस रास्ता है, क्योंकि स्टेक्स के ऊपर पे पानी फ्लो हो रहा है और मम्मी पापा भी यही रास्ते से ऊपर जाएंगे। ये रास्ते पे तो कोई सपोर्ट लेने का चीज़ ही नहीं है, लाइक ऐसा थोड़ा बाम्बू वाम्बू होता, लेकिन यहाँ पे बस पत्थर है, आपको इसका ही सपोर्ट लेके ऊपर जाना पड़ता है। भाई फ्लो कितना तेज़ है। ऊपर और भाई
तो अब जा रहे टॉप मोस्ट, मतलब माउंटेन के सबसे टॉप पे, ये स्टेयर जाता है एकदम, यहाँ से एकदम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू देखने वाला है। तो गाइस देख सकते हो इतना ज़्यादा ऊपर है, और एक तो फॉग की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है, थोड़े थोड़े बस दिख रहे हैं। हमारी कमी है। अभी हम आपको लेके चलते हैं उस तरफ, उस तरफ चलते हैं। चलो 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 चलते हैं उधर का, देखते हैं कि घर से कैसा दिखता है। बहुत ही प्यारा, बहुत तो मुझे नहीं मालूम है, सब जा चुके हैं, अभी हम चलते हैं। साथ में बिट्टी रक्षा नहीं है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, बच्चे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं, हम उनको अगली नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। क्या हुआ आपको? आगे तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि बारिश हुई है, और बारिश में पैर वैर मेरा फिसला तो मैं तो सीधा खाई में, इसलिए मैं आप सबको बस दूसरी दिखा रही हूँ। सीढ़ी है तो मालूम ना पड़े, आखिरकार उतर गए थोड़ा सा। कुछ तो देख लिया और अब टाइम आ चुका है नीचे जाने का, तो अभी यहाँ पे माउंटेन से स्लोली स्लोली नीचे जा रहे हैं। अभी नहा धो के घूम घाम के हो गया, अभी हम लोग चल रहे हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, अगर आपको लगा अच्छा है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।